अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हुआ हूँ, बात कर रहा हूँ। कुछ दिनों पहले मेरी माँ को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उस वजह से उनको पैरालिसिस का अटैक आया। उनका एक हाथ, पैर और थोड़ा चेहरे के ऊपर उसका असर हुआ, और उसका कारण था एक महाराष्ट्र का मंत्री जिन्होंने ऐसी घटिया और घिनौनी हरकत की। मंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने, जिस बात में कोई तथ्य नहीं है, जिस बात के कोई एविडेंस नहीं है, उस सारी बातें उन्होंने करने की वजह से, अम्मी हमारी पूना में थी, वो टीवी के सामने न्यूज़ देख रही थी, और वो न्यूज़ देखने के बाद जो सारी चीज़ें उनके साथ हुई मैं बता नहीं सकता। आज मेरी अम्मी जान के साथ ये हुआ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि महाराष्ट्र में किसी की भी माँ के साथ, किसी के परिवार के साथ ये हादसा ना हो। बहुत कठिन रात है, कठिन दिन मैंने और मेरी माँ ने और मेरे परिवार ने गुजारे, लेकिन इस बातों का सब खुलासा करूँगा और बहुत जल्द गुनाह भी दाखिल होगा, FIR भी होगा, और वो शख्स जेल में भी नजर आएगा। कौन है, किसके वजह से हुआ, क्या हुआ, सारे एविडेंस लेकर मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी शरद पवार जी, देवेंद्र फडणवीस जी और राज्यपाल जी के पास जाकर अपनी बात रखूंगा, और जरूर मुझे यकीन है मुझे और मेरे परिवार और मेरी माँ को न्याय मिलेगा।